खुशी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स जग जननी मायंबिका चरण नवाऊ मात शेर बदे बाली भवानी रख दो सिर पे हाथ जय 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 माँ दाती राजत राज अखंड तीन लोक चौदह भवन तेरी ज्योति जले प्रचंड मेरी मैया सिर बदबारी अब कर ले माँ सिंह सवारी भैया एक बार मेरी माँ का जयकारा लगाएंगे बोलिए शेरबदे वाली मैया की मेरी मैया शेरबदे वाली अब कर ले माँ सिंह सवारी तूने दुष्टों को छड़ में सिंहारी मैंने ले ली है हे मैया मैंने ले ली है शरण तिहारी अब कर ली मां सिंह सवारी अब सुन लो माँ विनती हमारी अब सुन लो माँ विनती हमारी अब कर ले माँ सिंह सवारी चरणों का बना लो मछिला धर्मेंद्र है प्रेम पुजारी अब कर ले मां सिंह सवारी मेरी मैया से रबद पाली अब कर ले मां सिंह सवारी आदड़ी बुजुर्गों और हमारे नौजवान साथी भाई प्यार करने हम दोस्तों और हमारी भूमि पे पड़ने वाली सती अनुप्रिया सावित्री जैसी हमारी माता बहना आइए आप लोगों के बीच में ये शेरबदे वाली माता की जीवन कथा कहने के लिए जा रहा हूं। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान लगा के सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा कि एक समय की बात है सुनो सभी धर ध्यान धर्मेंद्र बघेल कविता लिखे सुगाई के करूं बखान। मेरे भगवत प्रेमियों इस कथा में लेखनी कर रहे हैं मेरे जिगर के टुकड़े मेरे भाई धर्मेंद्र बघेल एमपी ग्वालियर वाले लगाइए ध्यान भैया
जिला भिंड में परत है एक कनेरा गाम, प्रगटीता पर भगवती भयो धन्य सुखधाम। मेरे भगवत प्रेमियों, जिला भिंड में एक कनेरा ग्राम है, वहां मेरी मैया ने जन्म लिया। और क्या हुआ हरिओम भैया, के सुमिरी शारदा मात, के सुमिरी शारदा मात गुरु को शीस नवाता हूँ। क्या बात है हरिओम भैया, तुम्हारा तो कहना ही कुछ और है दादा। सिर बदे वाली माता की महिमा गाता हूँ, अपने बच्चे की लाज रखना मैया, क्योंकि मैं तो अज्ञान हूं, मेरी माँ मुझे ज्ञान दो। हाय मात की कला निराली है, हाय मात की कला निराली है, मिट जावे दुख और दर्द भरे माँ झोली खाली है। जय हो मैया। बुजुर्ग लोग बताते हैं मेरे भगवत प्रेमियों कि मेरी मैया के दरबार पे जोई जाता है, यह मैया सबके काम कारज करती है। भैया हरिओम दादा। नदी चमिल को किनारो है, नदी चमिल को किनारो है, पिया पान जंगल में माने डेरा डारो है। हाय प्रगति आदि भवानी है, हाय प्रगति आदि भवानी है, तीनी कला दिखाई के लीला सब जग जानी है। मेरे प्रिय श्रोता लगाइए ध्यान, मेरी मैया ग्राम कन्हेरा तहसील अटेर जिला भिंड के पास में चंबल नदी के किनारे मेरी शेर बदे वाली मैया का स्थान है भैया। एक दिन भैया एक बुजुर्ग ब्राह्मण जंगल में घूम रहे थे। हुआ क्या हरिओम दादा। हाय एक बूढ़ा ब्राह्मण प्राणी, जंगल में धूम में सो ज्ञानी, जाको दिखी आदि भवानी, भवानी गजब भो भवानी, विप्रकृति की भई हैरानी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, एक ब्राह्मण जिसका नाम ओझा था हरिओम दादा, जंगल में घूम रहा था, मैया ने दर्शन दिए और मैया आज उस ब्राह्मण से क्या बोली, के बोली आदि भवानी, हरिओम दादा,
के बोली आदि भवानी तुम सुनो विप्रचित लाई जा जंगल में मेरो एक मंदिर दियो हनुमाई भवानी कहने लगी ओ भैया इस जंगल में मेरा मंदिर बनवा दो मैं दुखियों के दुख को मिटाऊंगी और हरिओम दादा मेरे मंदिर में ज्योति जगाओ मुंह मांगा पर मुझसे पाओ मैया ने ऐसे कहा तो एकदम से ब्राह्मण कहने लगा हे मैया सुनो ब्राह्मण ने तब वचन उचारो मैया मैं हूं दास तिहारो मटिया माँ जो तुम करो सहाय जा जंगल में मीरो एक मंदिर दी बनवाई आज इतनी बात ब्राह्मण की सुनी मैया ने हरिओम दादा अंतर ध्यान भई महारानी मंदिर की ब्राह्मण ने ठानी दर्श भये मैया के ब्राह्मण नहीं खुशी समाई जा जंगल में मेरो एक मंदिर दियो बनवाई उस ब्राह्मण ओजा नामक ने सेरव देवाली मैया की बात सुनी सोचता है कि मैया ने आदेश दिया है कि इस जंगल में उनका मंदिर बनना है और आगे हुआ क्या भैया ब्राह्मण क्या सोच रहा है हाय माता की सुन के बानी हरिओम दादा भाई मात की सुन के बानी ब्राह्मण ने तीनों भवन बनाई बहुत अच्छे हरिओ भैया और मेरे भगवत प्रेमियों आप एक कथा सुन रहे हो खुशी इंटरटेनमेंट चैनल के माध्यम से और हमारे खुशी इंटरटेनमेंट चैनल की प्रस्तुति करते हैं हमारे दादा श्री ब्रजराज ठाकुर जी और भोला गुर्जर जी और ढोलक बजा रहे हैं आपके जाने पहचाने हमारे हरिओम भैया भीमश्री वाले और चिमटा प्रसाद दे रहे हैं मुस्कुराते हुए हमारे मुकेश भैया कुंडोल वाले और रिकॉर्डिंग के स्टूडियो आगरा हमारे के भाई और मनोज भाई और मेरे भगवत प्रेमियों इस कथा को लिख रहे हैं हमारे धर्मेंद्र भाई एमपी ग्वालियर पठा वाले और मेरी इस कथा में सहयोग कर रहे हैं हमारे रवि बघेल पचौन के प्रा दत्ता कुआ एमपी वाले जिन्होंने मुझे मैया की कथा बताई और आज आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं और मैं गायक मनोज बघेल राजस्थान धौलपुर मनिया कोटपुरा
कैसे हरियो भैया भाई माता की सुन के पानी ब्राह्मण ने तीनों भवन बनाई कला मैया ने दिखलाई आए कमीना पैसन की आई आए माता की अजब कहानी ब्राह्मण ने तीनों भवन बनाई मैया के वचन सुन के हरिओम दादा उस ब्राह्मण ने मैया का भवन बनवाया है के सुंदर भवन बनो प्यारो आई के सुंदर भवन बनो प्यारो आई तालाब के खुद बाई दयो न्यारो भाई करेब में निर्मल पानी ब्राह्मण ने तीनों भवन बनाई और हरिओम दादा बताते हैं भाई के खायल हुई किसी को यंग आए तालाब में नहाए के हुई सब तंग एह उस तालाब की हरिओम भैया ऐसी दिशा बताते हैं कि उस तालाब में नहाने से किसी के घाव कुछ नहीं हो रहा बिल्कुल ठीक हो जाता है बोलिए शेरवदे वाली मैया की के खायल हुई किसी को यंग आए तालाब में नहाए के हुई सब दंग भाई ठीक सब करे भवानी ब्राह्मण ने तीनों भवन बनाई श्रोता हो इस प्रकार मैया के आदेश पर ओजा नामक ब्राह्मण ने मुकेश भैया मैया के मंदिर का निर्माण कराया और बताते हैं कि साथ में एक तालाब भी बनवाया जिसकी महिमा ऐसी थी हरिओम दादा कि अगर कोई घायल आदमी उसमें स्नान कर लेता तो उसके सारे घाव ठीक हो जाते और भैया कैसे मैया की अद्भुत कला ये जी दुनिया में रही जाए जी हरिओम दादा मेरी मैया की कला बहुत प्रचंड है भैया दर्शन को सब यात्री ये जी दूर दूर से आई दी धीरे धीरे बीतता ये जी समय पड़ो बल
1160 में आए पृथ्वीराज चौहान जी। मेरे प्रिय श्रोता, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन एक बार दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान सिरसागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए संबंध 1160 में दिल्ली से चलते हुए, और भैया क्या आए दादा, ए पृथ्वी राजा दिल्ली के राजा नामी सुर वीर बलवान, लगी कचहरी जहां राजा की महिमा का तक करूं बखान, सात हाथ के सिंहासन पे बैठे सब वेद चौहान, दिल्ली के मैदान, राम जोहार करी प्रथी से प्रतिलीनी सी सजुकाए, एक कोली भर लई तब प्रथी ने और छाती से लोच पकाए, बोलो माइल तब प्रथी से राजा सुन ले ध्यान लगाए, करो चढ़ाई तुम सिरसा पे अपने ले वरमान मिटाए, ए पीरम होवे मैं कोना ने निपट के ले है मलखान, इतनी बात सुनी माही लगी कुत्ते है गए वे फिर थोड़ा राय, इजाजत तब प्रथी ने भोजलीनी तुरत सजाए, रात दिना की मंजिल करके ग्राम कनेरा पहुंचो आए, ए हुआ अंधेरा सोचे प्रति अपने डेरा दे जमाए, मंदिर देखो जब मैया को मन में फूलो नहीं समाए, ए सोचे प्रति मन अपने में पूजा करूं मठी में जाए, आज मनाऊं मैया को मैं मनाऊं मैया को मैं मेरे सने में करो सहाय, आज मेरे प्रिय श्रोता हो, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान सिरसागढ़ को जीतने के लिए चले। इधर मैं भैया शेरवत वाली माता के मंदिर पर पृथ्वीराज चौहान, रात हो जाती है तो सोचने लगे मैया का मंदिर है आज यहीं पर रुक लो। पृथ्वीराज चौहान ने सेना को बोल दिया, रुकने का आदेश दे दिया, सभी सेना रुक जाती है, और भैया क्या हुआ, राजा क्या सोचने लगा था, हरिओम दादा, के पृथ्वीराज मंदिर लखो सोच रो भूपाल, अलख जगाऊं मात को पूजा करूं तत्काल, सैनिक सारे सो गए भूप भये तैयार, दुर्गा मठ में जाई के
मैया से करी पुकार। आज हरिओम दादा, राजा सोचने लगा कि मैया की जाके पूजा करूंगा मैं और भवानी को मनाऊंगा, जब भी मेरी विजय होगी। थाल भूपन लयो सजाई, दुर्गा मठ में पहुंचो जाय, आरती कीनी है मेरी मैया की, लाज रखो माता अपने छैया की। बहुत अच्छे हरिओम भैया। भवानी जे नमो नमो कल्याणी, मुझको मां विजय का बर दी, मेरी विजय करो महारानी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, शेरबदे वाली मैया के मंदिर में अरदास करने लगा राजा पृथ्वीराज चौहान, कहने लगा हे मैया मैं तेरा ही बेटा हूं, मैंने तुझसे लगाई आस, मैं आया तेरे पास, आरती कीनी है मेरी मैया की, लाज रखो माता अपने छैया की। जीत जो आऊं तो पे सोने के कलश धराऊं, मैं नंगे पैरों चल कर तेरे द्वारे पे जननी आऊं, बेटा ये चरणों के पास होकर भूपुदास, आरती कीनी है मेरी मैया की, लाज रखो माता अपने छैया की। आज मैया से अरदास करके और राजा क्या हुआ भैया, करी पूजा शिविर में सोया, राजा सपने में खोया, आज राजा अपनी शिविर में सो जाता है और राजा को सपना हुआ हरिओम दादा। करी पूजा शिविर में सोया, राजा सपने में खोया, सपने में मैया आई वरदान जीत को बोया, सिर सागर जीतो जाए मैं तेरी करूं सहाय, आरती कीनी है मेरी मैया की, लाज रखो माता अपने छैया की। इस प्रकार मेरे प्रिय श्रोता हो, पृथ्वीराज चौहान ने शेरबदे वाली मैया की स्तुति की, तो मैया ने राजा को सपना दिया और कहा कि हे राजा तू सिरसागढ़ पर अवश्य विजय पाएगा।
तेरी साय अवश्य करूंगी। प्राप्त काल हुआ, राजा ने मैया का जयकारा लगवा कर और सारी सेना तैयार कर ली। एक बार मैया का जयकारा लगाएंगे, बोलिए शेरवदे वाली मैया की। कि सेना को तुरंत सजाया है, सिरसागढ़ में नृप आया है, सुमिर भगवती मैया को रण का बाजा बज पाया है। माहिल ने भेद बताया है, प्रति मन में हर्षाया है, सुमिर भगवती मैया को रण का बाजा बजवाया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, मलखान और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध होने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने शेरवदे वाली मैया को पुकार के मलखान को धरनी गिराया है, प्रति मन में मुसिकाया है, सुमिर भगवती मैया को रण में बाजा बजवाया है। आज मेरे भगवत प्रेमियों, पृथ्वीराज चौहान ने वीर मलखान को धरन पे लिटा दिया। आज पृथ्वीराज चौहान सिरसागढ़ पर जीत के और वापस आने लगे। भैया हुआ क्या, घायल भये जवान समर में, तर में काब लगी भारी, बिन्नी ऋषि के आश्रम आई के कथा सुनाई है सारी। ऋषि ने रास्ता बतलाया है, वो गौरी कुंड में आया है, सुमिर भगवती मैया को रण में बाजा बजवाया है। आज मेरे प्रिय श्रोता, युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मलखान को हराकर अपने शरीर पर बहुत घाव हो गए। भैया हरिओम। तो पृथ्वीराज चौहान भिंडी ऋषि आश्रम पर आए, जिसके नाम से ब्रजराज दादाजी भिंडी ऋषि के नाम से आज भिंड नाम है। आगे हुआ क्या भैया सुनो, आज भिंडी ऋषि की बात सुनकर के पृथ्वीराज चौहान आज कुंड पर आ जाते। भैया और क्या हुआ,
के करी स्नान कुंड में नपने सुमिरी सैरवती माई। दूरी हुई सब पीड़ा मन में अति सुख पा। हरिओम भैया, आज पृथ्वीराज चौहान शेरवती वाली मैया के पास में गौरी कुंड है, उसमें स्नान करे, सभी घाव ठीक हो जाते हैं। और क्या हुआ, जितने खाब युद्ध में लागे थे तन में, ए मैया की कृपा से ठीक भई एक क्षण में। माँ की कृपा या जब निराली मो पे कहीं न जाए। दूरी हुई सब पीड़ा मन में अति हर जाए। आज मेरा प्रिय श्रोता हो पृथ्वीराज चौहान बड़े खुश होने लगे अपने मन में। पृथ्वीराज चौहान खुशी अपने मन में, सेना कौन ले संग चलत भई है वन में। शेरवती की आदि भवानी सबकी करे सहाय। दूरी हुई सब पीड़ा मन में अति हर साई। करी स्नान कुंड में नपने सुमिरी सैरथी। करी स्नान कुंड में नपने सुमिरी सैरथी माई। दूरी हुई सब पीड़ा मन में अति हर साई। मेरे भगवत प्रेमियों, पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और इधर में मेरी मैया के चमत्कार सुनिए। कि सन 2002 में अजब भई एक बात, टुंड राम को दर्शन दिए तभी शेरवती मात। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, सम्मत 2002 में शेरवती वाली मैया ने टुंडेराम बघेल को दर्शन दिए और मैया क्या बोली। हाय मात की दर्शन पाई सीधे भाई ये सारी काम। भगवत प्रेमियों, ए एक मैया की भक्त थे टुंडेराम बघेल, पचंड के प्रा दत्ता कुआ से हमारे जो कि भाई है, जो सहयोग कर रहे हैं रवि बघेल उनके पिताश्री। के टुंडेराम बघेल प्यारी आए रहे मैया के ही सारे। आए चरण में ध्यान लगाई के सिद्धि भाई ये सारे काम।
बताते हैं काहे कि उनके पास कुछ नहीं था, आज मैया की दया दृष्टि से सब कुछ है। भैया कैसे बात कर रही मंदिर में, एक जन के पार न पाई सिद्धि भाई ये सारी काम। आई रवि सिंह ने कथा बता, आई रवि ने कथा बताई है, आई के हमने गाई सुनाई है। आई धर्मेंद्र कलम चलावे सीधी भाई ये सारी काम। और हरिओम दादा, मेरे भगवत प्रेमियों, ये शेरवदे वाली माता की लीला मेरी यहीं समाप्त होती है। और हरिओम दादा, एक हमारी तरफ टुम्मा गाते हैं बुंदा के फंदा, मगर सभी ने रसिया के माध्यम से गाए, मगर हमारा कुछ अलग नए अंदाज में ला रहे हैं, और सुनिए कैसे। क्या बात है ब्रजराज दादाजी, कैसे। एक कुंदा के बीच आए, हरिओम भैया, एक कुंदा के बीच आयो अजब जमानो है, के आयो अजब जमानो है, दिन दिन धर्म की गठ रही बात सोच ले का ठिकानो है। हरिओम भैया, आजकल धर्म के नाम पर कोई काम ना करे। तुमने कहीं देखा होगा भागवत हो रही हो के भैया, तो चार आदमी बैठे मिलेंगे और जो शादी में डीजो भजन दो, देखो कितना प्रमाण होवे। और सुनो, आजकल के जो हमारी जैसी उम्र के हमारे भाई हैं के सपासट है मूछ, दादा के सपा सट है मूछ, पिचक रहे काल जवानी में, ए पिचक रहे काल जवानी में, पैदल चलत में फूसट, ए पैदल चलत में, ए पैदल चलत में फूले सांस, डूब रहे प्रेम कहानी में। और के लंबी रखते बात कीर्तन हाथ पाम करते, काली करते बोतल चारी उमरिया थोड़ी में मरते, और हरिओ भैया के पिए पे बसी कुल जो लीवर दात गलाती है, ए जो लीवर दात गलाती है, थोड़ी कसर रही है जो गांजे तिलम में जाती है। और गुटका और सिगरेट खाई रही है न्यारी न्यारी, ए खाई रही है न्यारी न्यारी, मर गई
के मर गई छूड़े बाकी प्रीत के बामर बैसे तो डारी के मनुज बघेला कोट पुरा की ऐसे गाती है के दादा ऐसे गाती है दरबिंद्र भैया प्राण नि प्यारो ये पनी कलम जलाती है को जाई सिया रामा रामा कहिवे